सबसे एक बात कहना चाहूंगी, जो बाबा की मुझे सुनते हैं, नियम धाराओं में चलते हैं, 24 घंटे में एक बार अपने घर में बाबा को भोग जरूर लगाएं। अब तीनों टाइम में लगा सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक टाइम श्रद्धा से भगवान को भोग ऑफर करें आप, और फिर परिणाम लेके क्या होता है। लेकिन परिवार के लिए बना रही हूं, पति के लिए बना रही हूं, बच्चों के लिए नहीं। मैं ये भोग भगवान के लिए और उसके परिवार के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाइए। जो भाई जी पर बताते हैं, मैं परम पवित्र, जाप लग जाए आपके मन में, जब आप भोजन बनाने पहुंचो तो आपकी तपस्या का वक्त शुरू हो जाए। ना किसी से बात करेंगे, शांति में रहकर योग युक्त होकर बाबा को साथ लेकर, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये स्वमान का अभ्यास करते हुए भोजन बनाइए। बड़ी श्रद्धा से बाबा को भोग लगाइए, एक टाइम जरूर। आपके घर में संस्कारी बच्चे बनेंगे, चित्त शांत होंगे, आपस में प्रेम बनेगा, घर में बरकत होगी, भंडारे भरपूर होंगे, काल कंटक सब दूर होंगे। और ये बाबा का प्रॉमिस है, जिस घर में बाबा ने भोग स्वीकार किया हो रोज, पूरे 84 जन्म उसको खिलाने की ड्यूटी जिम्मेदारी ऊपर वाले की होगी। विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, ओ भाई पक्के ब्राह्मण सुन लो मेरी बात, विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है, फिर मैं वही बात कहूंगी, चाहे वो आकाश से गिराए, चाहे धरती फाड़ के दे, आपके हाथ में दाल रोटी अंतिम श्वास तक होगी, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन भोग वो ही लगा सकता है अपने घर में जिसकी किचन में नॉनवेज ना बनता हो। अगर आपकी रसोई में नॉनवेज बनता है तो मां का भोग बाबा स्वीकार नहीं करेगा। फिर आप रो मटेरियल्स का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट दूध बिना उबला, रसोई में ले जाना भी नहीं।